हम बड़भागी हैं कि हम उस दौर में जन्म लिए हैं जहां वृंदावन गिरिराज जी गोवर्धन अर्थात नंदगांव बरसाना सब कुछ है। कलयुग का अंत आते आते ये सारे तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, ये सारे सदग्रंथ विलुप्त हो जाएंगे, न कहने वाले रहेंगे न सुनने वाले बचेंगे। कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव आने वाला है कि लुप्त होएं सदग्रंथ, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख चुके हैं। कलयुग का अंत जब होगा, कलयुग की जब चरम सीमा आएगी, तब सारे वेद पुराण ग्रंथ तीर्थ इत्यादि सब विलुप्त हो जाएंगे। हम बड़भागी हैं कि हम उस समय पर हैं जहां कथा सुनने को मिल रही है, कथा के साथ दर्शन मिल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अगली बार हमें जहां जन्म देना, जहां भी जिस योनि में भेजना, अपना भक्त बना कर ही भेजना। जे ही योनि जन्म हूँ कर्म वसतः राम पद अनुराग, मैं सदा भगवान का बन करके संसार में रहना चाहता हूँ। संसार का बनने के लिए मैं नहीं, मैं सदा भगवान का बनकर रहना चाहता हूँ और भगवान का बनकर ही रहूँ, यही मेरी कामना है। मैं ये नहीं कहता भगवान से कि प्रभु अगले बार मुझे भेजना ही मत। हम भगवान से यही कहें कि जिस योनि में आप भेजना, अपना दास बनाकर अपनी भक्ति दे करके भेजना, ताकि मैं आपको तब भी भूलू नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं, कोई चाहत नहीं, एक ही कामना रह गई, बस भगवान का बन के रहने की। गिरिराज जी की शरण में जब सारे ब्रजवासी आए, भगवान से कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इंद्र तो मूसलाधार पानी बरसा रहे। भगवान ने तुरंत गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, सब देखते रह गए, एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। अपने भक्त के लिए भगवान पहाड़ उठाने को तैयार है। कोई भक्त भगवान की शरण में जाए तो सही, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठाने को तैयार हूँ, तुम मेरे बनो तो सही। अब भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और गिरिराज जी को स्थापित करके भगवान पुनः सारे ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में वृंदावन आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। कहते हैं जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर मीन्स एक परिक्रमा, जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है उसे 84 का चक्कर फिर लगाना नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों ने लगाई परिक्रमा वृंदावन की, जरूर लगाइएगा। आज एकादशी है, अभी नहीं लगा पाए तो शाम को लगा लीजिए, आज एकादशी है, आज तो परिक्रमा लगानी ही चाहिए। शाम को लगा लीजिएगा, सवेरे लगा लीजिएगा, कभी भी लगाइए। वृंदावन की परिक्रमा तो एकादशी पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं, कभी भी लगा सकते। गिरिराज जी की परिक्रमा भी कभी भी लगाई जा सकती है, पूर्णिमा को विशेष रूप से लोग लगाते हैं, पूरी रात परिक्रमा चलती है पूर्णिमा को गिरिराज जी की। कहा यही जाता है कि जो भगवान गिरिराज जी का वृंदावन की परिक्रमा लगाने का अर्थ क्या है। भगवान में सारे ब्रह्मांड है, भगवान में सब कुछ समाया है और वो भगवान इस धाम में आए हैं, तो यहाँ पर रहने वाले गोविंद की परिक्रमा लगा लो, धाम की परिक्रमा लगा लो, तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है।
गिरिराज जी में और वृंदावन में ऐसे कितने साधु संत हैं जो परिक्रमा 12 महीने लगाते हैं, परिक्रमा में ही रहते हैं, परिक्रमा में ही खाते हैं और रोज परिक्रमा ही, जब परिक्रमा में ही कहीं सो गए जागे तो फिर परिक्रमा चालू, एक दिन में दो दो बार परिक्रमा लगा लेते, मतलब चलना खाना सब परिक्रमा में ही, वो परिक्रमा छोड़ के नहीं जाते। और जो धाम के प्रति ऐसी निष्ठा बनाता है उसे निश्चित भगवत दर्शन होता। ये वृंदावन में सामान्य बुद्धि लेकर ना आइएगा, सामान्य सोच लेकर ना आइएगा, ये धाम है, ये वृंदावन है, यहाँ तो बस भगवान का अनुभव कीजिएगा, यहाँ तो कण कण में गोविंद समाए, ईश्वर को सब जगह समाए।